सो गाइस आज मैं बनने वाली हूँ मॉडल। सब तैयार होते रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्राइड बन जाऊँ, तो आज मैं ब्राइड बनने वाली हूँ और देखते हैं कि क्या लुक आने वाला है। मैं भी एक्साइटेड हूँ और आप भी एक्साइटेड हैं, तो दोनों मिलकर इंतजार करते हैं मेरे न्यू लुक का। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना मेक ओवर। सो गाइस ये है मेरा बिफोर लुक, देखते हैं आफ्टर लुक कैसा आता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, क्या आने वाला है। तो भाई रेडी होने से पहले आप लोगों को पता है कि भाई मेरे फेस पे कितनी ज्यादा एक्ने है, पिंपल्स है और उसके अलावा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं। सो फर्स्ट पे मैंने थ्रेड करवाई है, देन अभी जो है ना आप ही ने मुझे मास्क अप्लाई किया। आप लोग देख सकते हो कितनी प्रिटी लग रही हूँ ना मैं, ओह माय गॉड। सो गाइस मास्क उतरने के बाद जो है ना मेरा मेकअप स्टार्ट होगा फाइनली। तो आप लोग भी एक्साइटेड हैं और मैं भी एक्साइटेड हूँ अपने फाइनल लुक के लिए। तो मिलते हैं आगे। गाइस सीन कुछ यूं है, आज मैं बनने वाली हूँ ब्राइड। भाई मेरा न्यू लुक कैसा आने वाला, तो अभी जो है ना मैं थ्रेड करवा के बैठी हूँ, मतलब मेरी फेस की थ्रेडिंग हुई है और फिर मैंने मास्क अप्लाई किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई मेरी एक्ने स्किन है, मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आप सब जानते हैं। और इंशाल्लाह पैसा आ जाने के बाद मैं बहुत कुछ करवाने वाली हूँ इस फेस पर। तो गाइस स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड कि क्या होने वाला है आगे। आई एम सो एक्साइटेड। तो गाइस अभी जो है ना मैं जा रही हूँ सेकेंड रूम के अंदर, क्योंकि मुझे अपने बाल करवाने हैं क्रैम्प। ठीक है, अभी जो है ना हमारे बाल क्रैम्प होंगे, सो ये वाला रूम में आ गए हम, अपने बालों को जो है ना हम संवारने वाले हैं। अब तो देखते हैं बालों को क्या लुक आता है, मतलब मैं तो उसमें चुड़ैल लग रही हूँ ऐसे। तो देखते हैं इन बालों को क्या लुक आता है। मेरे बाल जो कलर है ना वो ब्राउन ब्राउनिश है, सो अभी क्रैम्प करवाते हैं और देखते हैं इसका क्या लुक आता है। सो यहाँ हम तख्त ताज पर बैठ चुके हैं अपने, और अभी हम करवाने वाले हैं क्रैम्प। ठीक है, बाल बनाएंगे उसके बाद जाएंगे मेकअप करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या लगते हैं क्रैम्पिंग होकर। सो गाइज अभी जो है ना हम सेकेंड रूम के अंदर आ चुके हैं और अभी जो है ना मेरे हाफ बाल जो है ना क्रैम्प किए जाएंगे। ठीक है, सो देखती हूँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ कि क्रैम्प होने के बाद मेरे बाल कैसे लगते हैं, क्या लुक आता है। अभी फिलहाल मेरे स्ट्रेट तो है नहीं बाल, वैसे तो रोल्स हैं, ठीक है, कर्ल्स हैं सॉरी। सो अब देखते हैं क्रैम्पिंग के बाद क्या होता है। सो गाइज ये है मेरी हेयर स्टाइलिश। ठीक है, मतलब मेरे बाल जो सही से खराब करने वाली हैं वो ये लड़की करने वाली हैं, दुआ बाजी। सो देखते हैं कर पाती हैं कि नहीं। दुआ बाजी थोड़ा ध्यान से, मैं अपने बालों के खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ। सो गाइज अभी जो है ना मेरा क्रैम्प स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बीच में दिखाया जाए, मिड में, जब पूरे हो जाएंगे, मतलब हाफ हाफ से हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वरना बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी से इन प्रोसेस होना, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या लोगे थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है ना मेक ओवर स्टार्ट होगा, देन फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ। अभी फिलहाल ये थोड़ा थोड़ा देख लो, वरना बहुत लंबा हो जाएगा मेरा व्लॉग। सो गाइज ये दो औरतें मिलकर मेरे बालों पर लगी पड़ी हैं, बस मुझे डर है कहीं ये कुछ कर करा ना दे। दोनों मिलके जो है ना सही वाली ले रही है मेरी। गाइस मुझे बचाओ। सो गाइस आई एम सुपर डुपर 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 एक्साइटेड कि मेरे बाल क्या निकल के आने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हो कि ये लोग मेरे सर का क्या ही कर रहे हैं, आवाजें निकल रही है, मेरी चीखें निकल रही हैं। सो गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड कि मेरे बालों का लुक क्या आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, वरना मैं बीच की मांग निकाल के रखती हूँ, मतलब कि शीन आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग्स में कि बीच की मांग निकाल के रखती हूँ। बट आज मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रही हूँ, सो देखते हैं मेरा हेयर स्टाइल कैसा आता है, किस तरीके का आता है, किस टाइप का आता है। सो ये दो हेयर स्टाइलिश लगी पड़ी हैं आर्टिस्ट बनने में, तो देखते हैं ये कामयाब हो पाती है या नहीं। गाइज इन लोगों ने जो है ना मेरे बालों का बुरा हशर कर दिया है, और ऊपर से यहाँ से कर रही है मेरा पूरा सर गरम गरम कर दिया। अल्लाह माफ करे, ये इन्होंने किया है, ये तो बेचारी इतनी अच्छी काम कर रही है, मेरा पूरा सर गरम कर दिया इन लोगों ने। गाइज इसने मुझे ना आबिदा परवीन बना दिया है, और सब आके यही कमेंट पास कर रहे हैं कि तुम आबिदा परवीन लग रही हो, और ये मुझसे काम भी करवा रही है। गाइज ये मुझसे काम भी करवा रही है, पहली बार काम करती हूँ, पहली बार नहीं वैसे भी मैं करती हूँ। मैंने तो आज ही देखा।
अच्छा अब ये क्रैम हो रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और ये लोग बहुत शोर करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा शोर करते हैं। वाह अल्लाह हाफिज। अच्छा ये जो पीछे खड़ा हुआ ये मेरा बंदा है, ठीक है मेरे पास कोई बंदा नहीं लेकिन मैंने ऐसे बंदा बना रखा है। सो अभी जो है ना सो अभी जो ना हाफ क्रैम हुआ है, अभी एक दो बार लगा, ये जो लट इसने मुझे पकड़ाई हुई है ना काम करने के लिए, तो ये एक लट रह गई है, बाय द वे फिर पूरी हो जाएगी। और मैं जो है ना इस वक्त आबिदा परवीन में मिल रही हूँ, मुझे नाम भी नहीं पता उसका सही से, आबिदा परवीन में मिल रही हूँ। और देखते हैं क्या वाकई मैं आबिदा परवीन में मिल रही हूँ, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। सो गाइज फाइनली इट्स डन, तो आप लोग देख सकते हो मेरे बालों की हालत, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट रूम के अंदर और देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। ओके सो गाइज आप लोग स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड रहिएगा, आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है और फिर जो है ना मेरा मेकओवर भी स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज ये वीडियो यहीं करते हैं एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज।